हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। तो हमने मेनली जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो सारी डिस्कस कर ली हैं, लेकिन कुछ अदर ऑर्गन्स भी होते हैं जो कि अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करते हैं। जैसे जो एट्रियल वाल होती है, मतलब एट्रियम रीजन होता है, ओरिकल वेंट्रिकल्स जो हार्ट के चैम्बर होते हैं, तो एट्रियल वाल है वो भी कुछ हार्मोन सिक्रीट करती है, जैसे कि वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन, एक हार्मोन सिक्रीट करती है ANF, एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर। तो ये हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी देखा था, जिसका काम क्या होता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करता है, और ANF ये एजिनोटेंसिन एंजियोटेंसिन के साथ मिलकर काम करता है। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में रेगुलेशन देखा था जब हमने किडनी का, तो उसमें पढ़ा था इसके बारे में। तो क्या करता है, काजिज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स व्हेन ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज्ड। जब बीपी इंक्रीज हो जाता है तो उसको नॉर्मल बनाए रखने का काम करता है। ये कैसे करेगा, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको डायलेट करता है, उनको रिलैक्स करता है। यदि ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करा जाए तो बीपी हाई हो जाता है, और जब रिलैक्स किया जाए तो बीपी को लो किया जाता है। तो ANF को हम इतना याद रख सकते हैं कि बीपी लो करने में मदद करता है। उसके बाद है जक्स्टा ग्लोमुलर सेल्स ऑफ किडनी। किडनी की कुछ JG अपरेटस होता है, जो हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी डिस्कस किया है। तो क्या करता है, प्रोड्यूस ए पेप्टाइड हार्मोन। तो ये भी एक प्रोटीनस हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसको एरिथ्रोपोइटिन बोलते हैं, और इसका काम क्या होता है, एरिथ्रोपोइसिस मतलब RBC फॉर्मेशन में भी मदद करता है ये। उसके बाद है एंडोक्राइन सेल्स ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। तो जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है, जो कि मतलब डाइजेशन में रोल प्ले करता है, तो वहाँ पे कुछ हार्मोन्स हैं वो सिक्रीट किए जाते हैं। मेनली 4 हार्मोन्स हैं वो सिक्रीट किए जाते हैं। पहला है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन कहाँ पे काम करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के ऊपर, और क्या सिक्रीट करवाता है, हाइपो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजिन। जो स्टमक से जो 2 हार्मोन, खासकर एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि बैक्टीरिया वगैरह किल करता है, और साथ में एसिडिक मीडियम प्रिपेयर करता है, जो कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा है। और पेप्सिनोजिन क्या करता है, पेप्सिन में कन्वर्ट होता है एसिडिक मीडियम में, और ये प्रोटीन ब्रेकडाउन को करवाता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में, प्रोटियोजिज में तोड़ने का काम करता है। सिक्रीटिन एक्ट्स ऑन द एक्जोक्राइन पेनिक्रियाज एंड स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ द वाटर एंड द बायोकार्बोनेट आयंस। तो सिक्रीशन होता है ये क्या करता है, एक्जोक्राइन पेनिक्रियाज मतलब पेनिक्रियाज से एंजाइम सिक्रीट करवाता है, और स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बायोकार्बोनेट आयंस। साथ में जो वाटर वगैरह होता है और बायोकार्बोनेट आयन है उसको भी सिक्रीट करवाने का काम करेगा। CCK एक्ट ऑन द बोथ पेनिक्रियाज, तो हार्मोन का नाम है ACCK। तो ये पेनिक्रियाज और गाल ब्लैडर के ऊपर जाके काम करता है, और उनसे क्या करवाता है, पेनिक्रियाटिक जूस और बाइल जूस उनको सिक्रीट करवाएगा। GIP ये क्या करता है, इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी। जो गैस्ट्रिक हार्मोन हमने ऊपर देखा है, तो गैस्ट्रिन के अपोजिट काम करता है ये समझ सकते हैं हम, गैस्ट्रिन को इनहिबिट करता है, उसके फंक्शन को इनहिबिट करने का काम करेगा। तो जो 4 हार्मोन है ये हम डाइजेस्टिव सिस्टम में, हालांकि हार्मोन्स का जो रेगुलेशन हमने डिस्कस किया था, डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे रेगुलेट किया जाता है उनके अंदर हमने डिस्कस किया था, लेकिन ये CCK और GIP ये एक्स्ट्रा हार्मोन्स हैं जो कि अलग अलग फंक्शन करते हैं। तो हम यहाँ पे हम इनके बारे में डिस्कस, इनको अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। उसके बाद है जो हमने डिस्कस किया है उसी का एक टेबुलर फॉर्म है, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर जो गैस्ट्रिन है, सिक्रीटिन है और कोलेस्टो काइनिन है। तो ये हार्मोन कहाँ पे सिक्रीट होते हैं, कहाँ पे काम करते हैं, स्टमक के ऊपर, पेनक्रियाज के ऊपर, गाल ब्लैडर के ऊपर। तो किसका काम करते हैं, स्टमक, पेनक्रियाज और गाल ब्लैडर की सिक्रीशन करवाने का काम करते हैं। किडनी के अंदर एरिथ्रोपोइटिन होता है, जो कि बोन मैरो के ऊपर जाके काम करके रेड ब्लड सेल्स हैं उनका प्रोडक्शन करवाएगा। किडनी और लीवर के अंदर जो हार्मोन्स हैं वो क्या करते हैं, रेनिन और एंजियोटेंसिन सिस्टम है वो बनाते हैं, जो कि एड्रेनल कोर्टेक्स और ब्लड वेसल्स है उनके ऊपर काम करेगा। और क्या करता है, एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसकी सिक्रीशन को बढ़ाता है, और ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रिक्ट करता है। तो GFR जो हमने डिस्कस किया था, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट, उसको मेंटेन करने का काम किडनी और लीवर के हार्मोन्स हैं वो करते हैं। हार्ट का जो हमने देखा है, ANH भी बोल सकते हैं इसको, ANF भी बोल सकते हैं, हार्मोन बोल दो या फैक्टर बोल दो, बात बराबर ही है। किडनी और ब्लड वेसल्स के ऊपर जाके काम करता है, जिसकी वजह से जो सोडियम एक्सक्रीशन है उसको बढ़ाता है, और ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, बीपी को कम करने का काम करता है।